देखिए गेंदबाजी करते हुए अरुण मिश्रा जी अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद डालते हुए पहले ओवर में विकेट ले लिया और ये उनकी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद उनकी आउटसाइड द ऑफ स्टंप है जिसे मारने की कोशिश की थी मगर ये वाइड का इशारा दिया अंपायर द्वारा, अंपायर ने वाइड का इशारा दिया, स्कोर हो गया एक रन एक विकेट खोते हुए और ये एक ही बॉल हुई है दूसरी गेंद और इसे मारने की कोशिश की हल्के से टैप करने की कोशिश की मगर जो है विकेट कीपर ने उसे जो है फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई विकेट नहीं, स्कोर हो गया है एक रन एक विकेट पर और दो गेंदें हो चुकी हैं। अगली बॉल अनंत दौड़कर एक विकेट एक रन लिया, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। शानदार क्रिकेट का नजारा, उत्साहित दर्शक, 10 नंबर की जर्सी पहने हुए आनंद मिश्रा अगली बॉल सामना कर रहे हैं राजेश कल्याणकर, घुमाया बड़ी शानदार तरीके से बाउंड्री की तरफ लेकिन बॉल फील्ड हुई, इस बीच दौड़कर 2 रन लिए, बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ही शानदार क्रिकेट का नज़ारा। हालांकि सुबह डरा दिया था बारिश होगी लेकिन इंद्र देवता ने रक्षा की, गर्मी में भी कमी आई। अगली बॉल आनंद मिश्रा की और ये बीट किया, बहुत ही चतुराई से बॉल करते हैं आनंद मिश्रा, पहले 2 मैचों में भी उन्होंने 2 बार बहुत ही शानदार कैच लपके कॉट एंड बोल्ड किया, उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा इस ग्राउंड पर। अगली बॉल आनंद मिश्रा की और उसी तरह से चलाकी से बीट किया बैट्समैन कल्याणकर को, हाँ राजेश कल्याण, लास्ट बॉल आनंद मिश्रा की, छोटा बॉलिंग मार्च, ओ ये वाइड बॉल का इशारा, इसे और एक बॉल करने का मौका मिलेगा, हो सकता है इस वाइड का उन्हें फ़ायदा मिले और अगली बॉल पे वो एक विकेट चटका पाएं इस उम्मीदों के साथ, क्योंकि मैच फाइनल है, फाइनल मैच हर टीम चाहती है कि वो जीते। देखना ये अगली बॉल आखिरी बॉल आनंद मिश्रा की ओवर की और घुमा दिया है लेग ऑन की तरफ, बॉल फील्ड हुआ दूसरे रन का कॉल लेकिन नॉन स्ट्राइकर हैंड पे मना किया कल्याणकर ने और 1 रन मिला इस तरह से। छक्का छक 65,000 दर्शकों से भरा हुआ बॉम्बे सबर्वन का ये नारंगी गार्डन अपने क्रिकेट मैचों के लिए एक इतिहास है, बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये टूर्नामेंट आज का, शानदार छक्के और चौकों की बौछारें भी हुई हैं। अगला ओवर करेंगे जय, बहुत ही अच्छा बॉल करते हैं, बॉलिंग रन का बहुत छोटा है, अंपायर ने अभी बॉल ना करने के लिए बोला है। उमेश बॉल कर रहे हैं, बॉलर जय या उमेश, बॉलर जय है तो हाथ ऊपर करें, जय जय स्ट्राइक हैंड पे कल्याण कर दूसरी, हाँ 2 रन बड़ी आसानी से चिराई राजेश कल्याण करने, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स शानदार तरीके से, जय अपना अगला बॉल डालेंगे, छोटा सा बॉलिंग मार्च, अगली बॉल डाली और घुमा दिया है लेग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद, बॉल कलेक्ट हुई पहुंचाई वापस विकेट कीपर के हाथ में,
एक रन फिर भी दौड़ कर ले लिया। साथ साथ अंपायर का नौ बॉल का इशारा, एक फ्री हिट का चांस मिलेगा बैट्समैन को, फ्री हिट का चांस। देखना यह है जय कितनी चतुराई से ये उनका फ्री हिट एडजस्ट करते हैं। लेग ऑन की तरफ बॉल, डीप मिड विकेट की तरफ चार रन के लिए घुमाया था बहुत शानदार तरीके से। डीजे की आवाज में, तालियों की गड़गड़ाहट में, मैदान में, दीर्शक दरगाह में उत्साह। अगली बॉल हल्के से बॉल और बैट में संपर्क हुआ लेकिन कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार क्रिकेट का नज़ारा इस नारंगी ग्राउंड में। दर्शक दीर्घा में खुशी का माहौल, क्योंकि वो खुश होते हैं जब चौके छक्के लगे या आउट और कैच हो, हर बॉल पर क्लैपिंग होता है। और ये एक वाइड बॉल, हाँ इतना ज़रूर है जब वाइड बॉल होता है तो दर्शक मायूस हो जाते हैं, वो नहीं चाहते टाइम वेस्ट हो या वाइड बॉल हो। दर्शकों की उम्मीद है कि हर बॉल पे चौके छक्के या विकेट मिले। अगली बॉल जाएगी और फिर से बड़े शानदार तरीके से डीप मिड की तरफ घुमाया है, बॉल कलेक्ट मिस हुआ, दौड़ के पेडाम करने दो रन लिए, बड़ी आसानी से दो रन, 18 रन के स्कोर पर बोरीवली की टीम। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है, सूरज की रोशनी कम होती जा रही, ठंडक बढ़ती जा रही है, लेकिन मैच में गर्मी, क्रिकेट में उत्साह, जोश। और एक और डीप चार रन डीप के लिए, लेग डीप चार रन के। हमेशा रनर अप रही है, इस बार इन उम्मीदों के साथ कि वो ट्रॉफी लेके जाएगी और इस उम्मीदों के साथ फाइनल खेलने ग्राउंड पे उतरी है। बहुत ही शानदार तरीके से बैट्समैन की बैटिंग और उसी शानदार तरीके से फील्डिंग है ब्लास्टर, वेस्टर्न ब्लास्टर की तरफ से। पैंसठ हजार दर्शकों को जिस स्पोर्टमैन स्पिरिट को दिखाते हुए हमारे सभी क्रिकेटर, सभी टीमों ने उन्हें बांध के रखा है, एकदम छिपके हुए सीटों के साथ दर्शक, और आखिरी गेंद तक वो इस पेवेलियन को, इस स्टेडियम को छोड़ेंगे। अगली अविनाश शिकरे बॉल करेंगे, अविनाश शिकरे, और फिर से डीप की तरफ डाला है बॉल को, लेकिन ये मिसाइल थोड़ी हल्की थी, इसमें वेलोसिटी कम थी और एक रन मिलेगा। शिकरे को अगली बॉल, शिकरे अगली बॉल डालेंगे, सामना करेंगे पेडामकर, नॉन स्ट्राइक एंड पे भी कल्याणकर, सामने पेडामकर, शिकरे की अगली बॉल, राउंड द विकेट और फिर से लेग साइड में घुमाया है, फील्डर मौजूद, बॉल कलेक्ट हुई, कॉल आया लेकिन रोका, एक रन इस तरह से। बहुत ही नपी सदी बॉलिंग का नजारा, कल्याणकर सामना करेंगे शिकरे की बॉल का, अविनाश शिकरे छोटा सा बॉलिंग मार्च, सदी नपी बॉलिंग, और ये वाइड बॉल, ये ओवर की पहली वाइड बॉल शिकरे साहब की तरफ से। कोशिश ये रहेगी कि वो इस ओवर में कोई करिश्मा दिखाएं, कोई विकेट लें। अगली बॉल शिकरे की, और इस बार लेग ऑफ की तरफ घुमाया है, बॉल कलेक्ट हुई है, दूसरे रन का कॉल और बड़ी आसानी से चुरा लिए दो रन। मानना होगा बोरीवली की टीम ने बैट्समैन वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी परफेक्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ही शानदार तरीके से रनों को चुराते हैं। अगली बॉल शिकरे की,
और ये एकदम बोल्ड किया है, जैसा मैंने कहा था शिकरे चाहेंगे कि वो अपना कोई करिश्माई जादू वाला बॉल फेंकें और एक आध रन अपनी झोली में डालें, और सचमुच उन्होंने क्लीन बोल्ड किया है कल्याणकर को। स्कोर हुआ 27 रन बोरीवली का, 27 रन बोरीवली का स्कोर। अभी कल्याणकर साहब की जगह जाएंगे बोरीवली टीम के जुजारू कैप्टन वेटरन बैट्समैन हरविंदर सिंह। माइक में आवाज नहीं आ रहा, आवाज बढ़ाइए माइक मैन, प्लीज आवाज बढ़ाइए माइक भैया, आवाज बढ़ाइए माइक में, आवाज प्रॉपर ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं, हमारी कमेंट्री का आनंद नहीं ले पा रहे हैं दर्शक और प्लेयर्स, अपडेट्स के लिए आवाज बढ़ाइए प्लीज। अगली बॉल अविनाश शिकरे, और एक बॉल सामने है कप्तान टीम बोरीवली के, हैट्रिक लेने की कोशिश करेंगे अविनाश शिकरे। ये दूसरे विकेट के लिए बॉल, और हवा में घुमा दिया है, उछाल दिया है, और ये शानदार छक्का, बहुत ही शानदार छक्का, अगली बॉल शिकरे की, और हल्का सा घुमा दिया है ऑफ साइड में, क्रीच में प्लेयर मौजूद, बॉल कलेक्ट हुई, लेकिन फिर भी बड़ी चतुराई से हरविंदर सिंह ने एक रन चुरा लिया, कोई नहीं रुक पाया उन्हें एक रन से। स्कोर हुआ बोरीवली टीम का 34 रन दो विकेट के नुकसान पर। अभी क्रीच पर हैं अरविंदर बोरीवली टीम के कप्तान, और नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं भरत पेडामकर। पेडामकर बंधु इस बोरीवली टीम में जुगल जोड़ी है उनकी, दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बॉलर हैं आनंद मिश्रा जी, अच्छी करिश्माई बॉलिंग का प्रदर्शन किया है उन्होंने। ये फाइनल है, मिश्रा जी चाहेंगे फाइनल में एक दो विकेट जरूर चटकाएं। सामने है फिर से कैप्टन, नौ बॉल का इशारा, फ्री हिट मिलेगा। अब देखते ये हैं कि बोरीवली के कप्तान अरविंदर इस फ्री हिट को किस तरह कैश करते हैं। पिछली बार भी उन्हें फ्री हिट मिला था, लेकिन उसका फायदा वो नहीं उठा पाए। देखना ये है कि इस फ्री हिट को वो फिर से सिक्स में बदलते हैं कि नहीं। दर्शक चाहेंगे कि उनकी आवाज पे सिक्स लगा अरविंदर, और आनंद मिश्रा कॉट एंड बोल्ड करें, देखना यह क्या होता है। हवा में बॉल, लेकिन वही कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, सिर्फ एक रन मिलेगा, और इस तरह चला के दौड़ के दो रन लिए, कोई खास नुकसान नहीं। 37 रन का स्कोर, अनंत मिश्रा अपनी अगली बॉल के लिए 5 फुट का बॉलिंग मार्च। सामने अरविंदर कैप्टन, हल्के से घुमा दिया उन्होंने मिड ऑन की तरफ, और फिर से दौड़ के पॉइंट की तरफ से फिर से दौड़ कर, और ये तीसरे रन के लिए भी दौड़ रहे हैं, बहुत ही करीबी मुकाबला। और ये देखना ये है कि क्या हुआ, सुरक्षित है पेडाम, है पेडाम का ये रन आउट मिला, आखिर सफलता मिली अनंत मिश्रा जी को इस ओवर में रन आउट के रूप में। भरत पेड़ामकर
बहुत मैराथन दौड़ा उन्होंने, लेकिन आखिर क्रीज में नहीं पहुंच पाए। हो जाता था लेकिन उनका बैट उनके हाथ से छिटक गया, बैट हाथ में होता तो लगभग वो पहुंच गए थे। कोई असुरक्षा नहीं थी, होता है क्रिकेट में होता है, हर बॉल पर, हर पॉइंट पर, हर कदम पर ये संभावनाएं बनी रहती हैं, कभी इधर तो कभी उधर। नए बैट्समैन के रूप में, बोरीवली के नए बैट्समैन के रूप में, बोरीवली नए बैट्समैन प्लीज, सुरेश राम बहुत ही प्यारे बैट्समैन हैं और बहुत ही प्यारे फील्डर हैं। उन्होंने बाउंड्री पे कैच लिया था बहुत शानदार, अपनी मैच को विजय दिलाई थी उस कैच के सारे। अब देखना ही है कि मिश्रा जी क्या करिश्मा दिखाते हैं, और उसी शानदार तरीके से उन्होंने बॉल को पॉइंट पे लाया, लेकिन बॉल कलेक्ट हुई, एक रन ले पाएंगे। क्रीज पर मौजूद दोनों स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक हैंड पे, और बॉलर तीनों भी बहुत ही गजब के बैट्समैन प्लेयर्स बॉलर हैं। बॉलिंग के रूप में आनंद मिश्रा की अगली बॉल कैप्टन अरविंदर को, और हवा में उछाला फिर से पॉइंट की तरफ, डीप दौड़कर दो रन पूरे किए। बयालीस रन के स्कोर पर बोरीवली की टीम 3 विकेट के नुकसान पर। आनंद मिश्रा अगली बॉल करेंगे, कोशिश होगी उनकी एक विकेट छटकाने की, और सामने कैप्टन पॉइंट की तरफ गए, बॉल कलेक्ट हुई सीधा, बहुत ही शानदार फील्डिंग है वेस्टर्न ब्लास्टर की टीम की। गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, लेकिन बॉल को आगे नहीं जाने देंगे। बहुत शानदार तरीके से मांडव करने बॉल को रोका, सो के बैठ के लेट के, और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। मनी मन सोचते हुए क्या बॉल डाला जाए, कैसे विकेट लिया जाए। आनंद मिश्रा अपनी बॉल डालने के लिए अपनी बॉलिंग स्पेस मार्च थोड़ा आगे 7 मीटर का दौड़ते हुए, और ये बहुत ही गजब के तरीके से बीट किया उन्होंने, और ओवर की समाप्ति। फिर भी एक रन आउट का मौका मिला, रन आउट कराया उन्होंने इस ओवर में। अच्छी परफॉर्मेंस है अनंत मिश्रा की आज, बहुत ही अच्छा। हमेशा इस ग्राउंड पर जब जब भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो एक इतिहास रचा है। आज भी उन्होंने कॉटन बोल्ड किए दो, पिछले साल भी टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत ही शानदार बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स कैच लिया था। आज देखो ये प्राइज किसके नाम लिखा जाता है। दर्शकों में उत्साह, स्कोर 44 रन, 44 रन के स्कोर पर बोरीवली टीम मैदान में डटी हुई है। सुरेश राम स्ट्राइक हैंड पे, नॉन स्ट्राइक हैंड पे टीम के कप्तान अरविंदर सिंह। क्यों वो क्यों जा रहा है? बॉलर्स नेम, वेस्टर्न ब्लास्टर बॉलर्स नेम प्लीज। वेस्ट संतोष सावन, हाँ वैसे तो छोटे बल्ले और छोटे टेबल टेनिस की गेंद से खेलते, लेकिन आज इनको बड़ी बॉल पकड़ा रही है। देखना क्या है, टेबल की बजाय ग्राउंड पे क्या करिश्मा दिखाते हैं। हवा में बॉल और 2 फुट पीछे रह गए जय। अगर ये डाई मारते तो बड़ी आसानी से ये हलवा कैच ले सकते थे। शायद शान ढलते हुए बादलों में संध्या की हल्की हल्की अंधेरी छांव, हो सकता है बॉल को वो नजर नहीं कर पाए हों। अगर यही डे नाइट मैच के हिसाब से सारे बल्ब स्विच ऑन कर दिए जाए तो उस प्यारी सी सुनहरी लाइट में बॉल अच्छी से देख सकें। अगली बॉल संतोष, और फिर से हवा में उजाला है, और वहीं जय फिर से मौजूद। उन्होंने बॉल को कलेक्ट किया वापस संतोष सक्सेना के हाथ में।
अगली बॉल संतोष सक्सेना जी की, और फिर से ओ माय गॉड, एक रन लिया और फिर से दूसरे रन को चुरा लिया, बड़ी चतुराई से चलाकी से 49 रन के स्कोर पर बोरीवली का टीम फाइनल मैच खेला जा रहा है बोरीवली और वेस्टर्न ब्लास्टर के बीच में। सावंत की अगली बॉल हरिंदर को हल्का सा बैटर बॉल में संपर्क, दौड़कर एक रन लिया हरिंदर ने, 50 रन का स्कोर, हाफ सेंचुरी टीम की। बोरीवली ने 50 रन का स्कोर कर लिया है और अभी स्ट्राइक हैंड पे सुरेश हैं सामना करते हुए संतोष सावंत का, और बड़ी शानदार तरीके से मिड ऑन की तरफ घुमाया है। जय फिर से मौजूद, बहुत ही शानदार फील्डर हैं, बॉल को कलेक्ट किया, एक रन मिलेगा। बहुत ही चौकन्ने हैं ये जय, बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्मार्ट और यंग प्लेयर हैं, टीनेजर कहा जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत ही चतुराई के साथ फील्डिंग करते हैं और पूरा फोकस करते हैं कि बॉल उनसे ना मिस हो जाए। लास्ट बॉल इज ओवर की संतोष सावंत के द्वारा, उसी तरफ हवा में उछाला है, देखना है कैच हो पाता है नहीं, और ये बड़े शानदार तरीके से बाउंड्री पे कैच लिया है, बहुत शानदार तरीके से वेस्टर्न ब्लास्टर ने, बहुत ही शानदार तरीके से कैच किसने लिया है, नरेंद्र माले, टीम की कैप्टन नरेंद्र माले साहब ने बहुत ही शानदार कैच दिया है। ये सारे टीनेजर प्लेयर बहुत ही शानदार तरीके से, देखो पिछले मैच में भी सेकंड फाइनल में वेद पाठक ने एक शानदार कैच लिया था, सुरेश राम ने भी अपना कैच लिया था, और आज अपना कैच दे भी बैठे, एक कैच खुद लिया था, आज इनका भी कैच हो गया, दूसरों को पकड़ोगे तो तुम भी लफक लिए जाओगे, इसका ध्यान रखना पड़ता है ग्राउंड में, लेकिन बहुत अच्छी बात है, शानदार कैच, कैच हालांकि अरविंदर का था। हेलो, हाँ आए क्राइम ब्रांच कितने 51 रन के स्कोर पर बोरीवली का टीम आउट, बोरीवली की टीम ने 51 रन का स्कोर खड़ा किया। अभी इनको विन के लिए वेस्टर्न ब्लास्टर को 52 रन का स्कोर 5 ओवर में करना होगा, यानी कि 30 बॉल 52 रन, 10 रन का ऑलमोस्ट एवरेज, क्योंकि 10 बॉल तो वाइड मिली जाएंगे। लेकिन इस फाइनल मैच की एक बहुत बड़ी विशेष बात जो आई खुल के सामने, इस इन 5 ओवर में वाइड बॉल बहुत कम गए, जो कि पिछले मैचों में मैक्सिमम गए थे, एक बार तो एक ओवर में 18 वाइड बॉल फेंकी गई थी। हाँ, जो दर्शक और जो प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर है, ग्राउंड की सीमा से बाहर हो जाए, ये फाइनल मैच है, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड पर, पूरे ग्लोब पर, ये ग्लोबल टेलीकास्ट है, कृपया आप अपने आप को ग्राउंड की बाउंड्री से बाहर रखें, ये ग्लोबल टेलीकास्ट है। कुछ डिसिप्लिन है, कुछ मैंडेटरी है ये, प्लीज एंड प्लीज जो भी दर्शक, जो भी प्लेयर्स किसी भी टीम से रिलेटेड हो, अपने आप को ग्राउंड से बाहर रखें, ग्राउंड की सीमा से बाहर बैठने की कृपा करें। अंपायरिंग करेंगे मिस्टर इबाबत खान, वेस्टर्न ब्लास्टर बॉल फेंकी, नई बॉल 52 विन के लिए 52 रन चाहिए वेस्टर्न ब्लास्टर को। वेस्टर्न ब्लास्टर के सलामी बल्लेबाज क्रीज पर जाते हुए, जय अगर जय है तो हाथ ऊपर करें, क्रीज पर जाते हुए क्रीज पर जाते हुए दोनों प्लेयर्स राहुल पाटिल और संजय सालुंके,
राहुल पाटिल स्ट्राइक एंड पे, नॉन स्ट्राइक एंड पे उदय सालुंग के सलामी बल्लेबाज, राहुल पाटिल स्ट्राइकिंग हैंड पे नॉन स्ट्राइक पे उदय सालुंग के, और बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर महेश पटेल, बहुत ही अच्छा बॉलिंग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनका, हर बार हर मैच में कैप्टन एंड पे पहली बॉल ओवर की और बीट किया भाग्यशाली रहे राहुल पाटिल। पटेल का अगला बॉल हवा में उछाला है बाउंड्री की तरफ, और ये शानदार छक्का, शानदार छक्का, 65,000 दर्शक तालियों के साथ छक्के का, और इधर टीम के टेंट में खुशी का माहौल, और फिर से दूसरा भी शानदार छक्का, वेरी सॉरी अनफॉर्चुनेटली इस बार सुरेश राम ने ये कैच मिस कर दिया, नहीं तो ये एक हिस्ट्री हो जाता, रिपीट हो जाता, सुबह की तरह ये दूसरा कैच लिया होता तो शायद मैच का पासा पलट जाता। शुरुआती दौर में ही कैच को इस तरह मिस करना, स्क्वायर लेग की तरफ बॉल फील्ड हुआ, राहुल पाटिल ने राहुल पाटिल सामना करेंगे अभी महेश पटेल की अगली बॉल का, और उस बहुत शानदार तरीके से मिड ऑन की तरफ घुमाया है अरविंद राणे ने, बॉल को फील्ड किया सीधा बॉलर के पास, अच्छा अगली बॉल महेश पटेल की पॉइंट की तरफ घुमाया है, लेकिन बोरीवली के फील्डर से बॉल फील्ड नहीं हुई, और सीधी 4 रन के लिए। डीजे शुरू हो जाओ, डीजे अपनी धुन बजाओ, डीजे चुप क्यों हो क्या, हेलो 13 के स्कोर पर वेस्टर्न ब्लास्टर टीम का स्कोर 13 रन। बॉलर तांबे, संजय तांबे, ओहो बीट किया उन्होंने, लेकिन ये बॉलर प्लीज अंपायर से आर्गुमेंट नहीं, अंपायर का फैसला सबको मान्य है, कृपया फाइनल मैच है, इस मैच की शोभा बढ़ाएं, नो डिस्कस प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट, व्हाट एवर द डिसीजन गिवन बाय द अंपायर इट इज फाइनल। कैप्टन ऑफ द बोरीवली टीम प्लीज कंसल्ट विद योर बॉलर, कन्विंस हिम, ट्राई टू कन्विंस हिम, इट इज नॉट फेयर इन फाइनल मैच, इट इज ए ग्लोबल टेलीकास्ट, इट लुक्स नॉट गुड, प्लीज। हाँ कैप्टन ऑफ द टीम, कैप्टन ऑफ बोरीवली टीम प्लीज कन्विंस योर बॉलर,
ask him to maintain the discipline in the ground. It's not fair so far. अपना फोकस अपनी अच्छी बॉलिंग पर रखिए, शायद विकेट मिल जाए अगली बॉल तांबे की, और बहुत ही शानदार तरीके से उड़ाया है, बॉल कलेक्ट हुआ तिवारी साहब के द्वारा और सीधा तांबे बॉलर के हाथ में। 15 रन का स्कोर वेस्टर्न ब्लास्टर का। तांबे साहब का अगला बॉल उदय सालुंके को बीट हुए, लेकिन ये वाइड बॉल का इशारा, ये वाइड बॉल का इशारा। गुजारिश है तांबे साहब फोकस करें अपने बॉलिंग मार्च पर, अपने बॉलिंग थ्रो पर, कम से कम वाइड बॉल दें। फाइनल मैच है, अगली बॉल तांबे की और बहुत शानदार जवाब में उछाला है, देखना ये है। बॉल कलेक्ट हुई, काफी दूर गिरी थी, लेकिन एक रन लेने से कोई रोक नहीं सकता। वेस्टर्न ब्लास्टर टीम का स्कोर 17 रन 1717। ओवर द विकेट तांबे का अगला बॉल फिर से पाटिल ने घुमाया पॉइंट्स की तरफ। एक रन मिला, वापिस बॉलर के हाथ में बॉल। नपी और सदी बॉलिंग करते हुए तांबे, उदय सालुंके सामना करेंगे और घुमा दिया आकाश में, प्लेयर मौजूद। शानदार तरीके से और ये शानदार कैच लिया, शानदार कैच लिया है बाउंड्री पे। हालांकि ये कैच तो बहुत पहले ही सुरेश राम भी ले लिए थे, तो इस मैच का नजारा, इसकी शक्ल बदल जाती। अभी बजा आएगा ना भिड़ो डीजे, डीजे भाई निकाली, डीजे भाई ना मैं जोड़ा है अलग ला। डीजे डीजे की धुन बता देती है कि 65,000 दर्शकों की ली हुई टिकट के पैसे वसूल। उनकी तालियों की गड़गड़ाहट बता देती है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलने वाली टीमों के ये क्रिकेटर बहुत ही शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आज के इस नारंगी ग्राउंड में बॉम्बे साबरमत में। सूरज अपनी आखिरी स्टेज में छुपता हुआ, ग्राउंड में हल्की हल्की छांव और हल्की हल्की ठंडक, पिच पर हल्की हल्की नमक। अगली बॉल तांबे की, लेकिन ये वाइड बॉल। पॉइंट की तरफ फिर से घुमाया है और ये 6 रन। डीजे 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 आवाज के जादू में डीजे तो ज्यादा शार्प और फास्ट होता है। स्कोर 25 रन का स्कोर वेस्टर्न ब्लास्टर का, 25 18 बॉल पे 27 रन चाहिए। कोई मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन ये है क्रिकेट, संभावनाओं का खेल है। किसी क्षण मैच किसी भी तरफ जा सकता है, मैच का रूप कौन पलट सकता है, कौन बदल सकता है, इसकी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। कैप्टन ने फिर से अपना भरोसा जताया महेश पटेल पर, फिर से वो बॉल उनका दूसरा ओवर करेंगे। एक बॉलर 2 ओवर डाल सकता है, दूसरे ओवर का फिर से मौका दिया है, जवाबदारी है। महेश पटेल अपनी अगली बॉल
और बड़े शानदार तरीके से राहुल पाटिल ने घुमा दिया है बाउंड्री की तरफ, बॉल फील्ड हुई, एक रन मिला, दौड़कर एक रन लिया वेस्टर्न ब्लास्टर के प्लेयर राहुल पाटिल ने। 26 का स्कोर। छब्बीस रन और चाहिए 17 बॉल पे। महेश की अगली बॉल आपकी ऑफ की तरफ घुमाया है, दौड़ते हुए खिलाड़ी ने बॉल को फील्ड किया और दौड़कर दो रन चुराए हैं उदय सालुंके ने। इन दो रन के साथ 28 माले साहब ने हल्का सा स्पर्श किया बैट के साथ बॉल से, वहीं फील्ड हुई, कोई रन नहीं। नरेंद्र माले भी जब अपनी पे आते हैं तो चौके और छक्कों की बहुत सारे करते हैं, और ये तो फाइनल मैच है, चाहेंगे वो मैच को निकालना, देंगे चौके छक्के और ये घुमाया वाइड बॉल का इशारा। उनतीस रन का स्कोर, 23 रन और चाहिए 15 बॉल पे। तीसरा ओवर प्रगति पर, महेश पटेल के हाथ में बॉल, छोटा सा बॉलिंग मार्च, अच्छी हाइट के बॉल करते हैं और फिर से बहुत प्यारे तरीके से बाउंड्री की तरफ घुमाया है, आओ चार रन के लिए, चार रन नरेंद्र वेस्टर्न ब्लास्टर 14 बॉल पे 19 रन चाहिए, कोई मुश्किल टास्क नहीं है ये, लेकिन फिर भी पहले से प्रेडिक्शन करना शायद सिंसियरिटी नहीं होती, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। अगली बॉल, हेलो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ जरा सुन लो, अगली बॉल तैयार है महेश पटेल, हाँ चल महेश पटेल की अगली बॉल नरेंद्र बाले, और फिर शानदार तरीके से घुमा दिया उन्होंने कवर की तरफ, बॉल फील्ड हुई, डॉट बॉल हुआ, ये डॉट बॉल, फिर से दूसरा भी डॉट बॉल, बारह बॉल 19 रन। इसमें मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है क्या, क्या तिवारी जी बॉल करेंगे, तिवारी साहब आपके हाथ में बॉल है तो अपना हाथ ऊपर करें, यस अभी एन एस तिवारी करेंगे, एलएस बोरीवली टीम के मिस्टर तिवारी जी, एलएस तिवारी अगला ओवर करेंगे, सामना करेंगे राहुल पाटिल, नॉन स्ट्राइकर रन पे नरेंद्र महाले, तिवारी साहब का पहला बॉल वाइड बॉल, वाइड बॉल का इशारा, चौतीस रन के स्कोर पर वेस्टर्न ब्लास्टर 12 बॉल 18 रन। घुमाया है पॉइंट की तरफ, बॉल फील्ड हुई, लेकिन इस बीच बड़ी आसानी से दो रन दौड़कर पूरे किए राहुल पाटिल ने, 36 रन के स्कोर पर वेस्टर्न ब्लास्टर 16 रन और चाहिए 11 बॉल पे, फिर से बॉल घुमाया उसी तरह पॉइंट की तरफ, और ये शानदार छक्का डीजे वालों,
डीजे बाबू शानदार छक्का, डीजे बाबू धुन बजाओ। अभी 9 रन चाहिए जीतने के लिए वेस्टर्न ब्लास्टर को। 9 गेंदें 9 रन 9 बॉल्स 9 रन। एलएस तिवारी वाइड 9 बॉल 8 रन। कोई मुश्किल टास्क नहीं है वेस्टर्न ब्लास्टर के लिए इस मैच को जीतने का, मैच को जीतकर चांस गवाने का कोई मुश्किल टास्क नहीं है। बोरीवली टेंट में निराशा, ना रनों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगली बॉल फिर पॉइंट की तरफ घुमा दिया है, डीप पॉइंट की तरफ और दौड़कर 1 रन लिया, 4 रन। वाओ, डीजे चौके पे कुछ धुन नहीं बजाते, डीजे डीजे क्या बात है भाई। रन, और इस तरह से वेस्टर्न ब्लास्टर ने फाइनल मैच जीता है भारी शानदार तरीके से। अभी भी 1 ओवर और 2 बॉलें बाकी होकर के भी वेस्टर्न ब्लास्टर ने ये मैच फाइनल मैच जीत लिया है। आज इस नारंगी ग्राउंड पर बहुत ही उत्साह उमंग खुशी की लहर बहुत ही शानदार तरीके से आज का टूर्नामेंट संपन्न हुआ है। इससे आगे आयोजकों को सारे को बहुत बहुत बधाई। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मतभेद के, बहुत ही आनंद में तरीके से आज का ये टूर्नामेंट संपन्न हुआ और फाइनल मैच वेस्टर्न ब्लास्टर ने बड़ी आसानी से 1 ओवर और 2 बॉल करते हुए